जब भी हम फास्टेस्ट वे कहते हैं ना किसी चीज़ को सीखने का, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यार कि आप क्यूरेटेड चीज़ें पढ़ो। दो तीन बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज दिखा देती हूँ। तो यार सबसे पहला जो रिसोर्स है फ्री कोड कैम्प की ये। सर सबसे पहले देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं आपके। पहला हो गया फ्रंट एंड, दूसरा हो गया बैक एंड, एंड देन हो गया आपका डेटाबेस। फ्रंट एंड यानी कि आपका क्लाइंट साइड। चलो नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जब आप नेटफ्लिक्स का होम पेज खोलते हो तो बेसिकली आपको दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, 20 लेट से 10-20 वीडियोज़ दिख रहे हैं। एनिमेशंस होते हैं, जब आप क्लिक कर रहे हो या होवर कर रहे हो तो वीडियो पॉप होके आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। तो ये वाला जो आपका पार्ट है जो बेसिकली आपको दिख रहा है वो आपका क्लाइंट साइड कोडिंग में आ रहा होता है। देन सेकेंड होता है आपका सर्वर साइड या बैक एंड। अब यार यहाँ पे आप मेजर अपने APIs लिख रहे होते हो, जैसे कि नेटफ्लिक्स का अगर एग्जाम्पल लें तो इनका कोई पर्टिकुलर API होगा जो कि डिसाइड करेगा कि ये 10 वीडियोज़ हैं जो मुझे इस यूज़र के लिए दिखाना है। अब फ्रंट एंड पे क्या होगा कि यार हम उस API को कॉल करेंगे, पता करेंगे कि यार ये 10 वीडियो हैं जो मुझे अपने फ्रंट एंड पे दिखाना है, एंड देन आपके फ्रंट एंड पे वो 10 वीडियोज़ ऐसे 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 रेंडर हो रहे होते हैं, ठीक है? अब थर्ड पार्ट है जो हमारा, वो डेटाबेस है। अब यार ये 10 वीडियो या 10 डेटा एक्चुअल में कहाँ स्टोर रहेंगे, तो ये चीज़ आपके डेटाबेस में रहती है। कि डेटाबेस में आपको पता है कि यार ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये ड्यूरेशन है, ऐसा करके जो भी आपका डेटा के अराउंड डिटेल्स हैं वो सारे आपके डेटाबेस में रहेंगे। तो यार ये तीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट है, सबसे पहले फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट कंपोनेंट से जो कि है हमारा फ्रंट एंड। तो यार इसमें जो सबसे फर्स्ट चीज़ हम देख रहे होंगे वो है कि HTML और CSS कैसे शुरू करना है, क्योंकि ये हमारा एकदम बेसिक्स है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब यार HTML सीखने के लिए ये दो अच्छे रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। सबसे पहले यार W3 स्कूल्स जो आप ऑलरेडी देख चुके होगे, काफ़ी फेमिलियर होगे। लेफ्ट साइड में देखना यार पूरे जितने एलिमेंट्स टैग्स जितने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे HTML के मिल जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ से CSS भी देख सकते हो। बट एक चीज़ का यार काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना कि इस चक्कर में मत पढ़ना कि पूरा HTML पूरा CSS मैं आज ही पढ़ लूँगा एंड देन मैं आगे बढ़ूँगा। HTML CSS इज समथिंग जो आपका अगर बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आगे बढ़ो, बाद में जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप गूगल करके आराम से वो चीज़ें ढूंढ सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड जो काफ़ी अच्छा रिसोर्स है यार फ्री कोड कैंप, इसको मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। आप यहाँ पे आना और आप देखना है यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि आपका HTML हो गया, ये आपका CSS हो गया। बेसिकली एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है यहाँ पे। आप जैसे स्टार्ट कोडिंग करते हो यहाँ पे तो डिफरेंट क्वेश्चनेयर्स होते हैं, आपको राइट साइड में आंसर सबमिट करते हुए आगे बढ़ते चलना है, एंड एंड में आप देखोगे यार कि मतलब इतने सही सही क्वेश्चंस और इतने सही सही चीज़ें आपने अप्लाई कर दी होगी कि आपके ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी तगड़े हो जाएंगे, ठीक है? अब यार आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बात कर लेते हैं। जब भी हम फास्टेस्ट वे कहते हैं ना किसी चीज़ को सीखने का, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना यार कि आप क्यूरेटेड चीज़ें पढ़ो। जैसे इस वीडियो में मैं आपको क्यूरेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ कि यार ये चीज़ देखो, ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये चीज़ें करो, ठीक है? तो यहाँ पे एक और सजेशन मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है एंड आप पूरा वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो मे बी आप एक कोर्स पिक कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका मेंटोर जो आपको पढ़ा रहा है वो ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुका है, ये कोर्स काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, काफ़ी प्रोजेक्ट बेस्ड है, आपको हेल्प करने वाली है। तो ये एक कोर्स है कोडडैम का, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि काफ़ी शानदार है। देखो सबसे पहले आप यहीं पे आकर इनका रोड मैप देख लेना, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पहले आप बेसिक्स ऑफ वेब से शुरू करोगे, देन आप फ्रंट एंड सीख रहे हो, टूलिंग सीख रहे हो, रिएक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, एंड सिर्फ फ्रंट एंड ही नहीं, आप जैसे नीचे जाओगे आपको दिखेगा आप बैक एंड सीख रहे हो, डेटाबेस देखो यहाँ पे सीख रहे हो, प्रोडक्शन रेडी प्रैक्टिसेस भी पढ़ रहे हो। एंड जो सबसे सही चीज़ बात है यार यहाँ पे कि इन्होंने पूरा डिवाइड करके दे रखा है कि यार अगर मैं बेसिक्स ऑफ वेब कह रहा हूँ तो उसमें देखो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हो, ठीक है? अब लेट से मेरे को HTML CSS सीखना है, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगी एंड मैं जो भी कोर्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन है वहां पे पहुंच जाऊंगी। अब यार देखो यहाँ पे एक और अच्छी चीज मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, लेट से आपने वीडियो शुरू किया एंड 19 सेकेंड या 20 सेकेंड पे आपको डाउट आ गया कि यार पी टैग कैसे काम करता है, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने अपना एक इंस्टेंट हेल्प सेक्शन प्रोवाइड करके रखा है, जहाँ पे आप जस्ट पूछ लो इसको टू हाउ टू यूज पी टैग इन HTML, ठीक है? अब जैसे ये यहाँ पे लिखोगे देखोगे ये इंस्टेंटली आपको आंसर दे देगा कि यार पी टैग इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपका जो इंस्टेंट हेल्प सपोर्ट होता है उसके हेल्प से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं एंड आपको बार बार इधर उधर गूगल सर्च नहीं करना पड़ता, चीज़ें देखनी नहीं पड़ती हैं, ठीक है? या राइट साइड में देखना, क्लिक करना, आपको दिख जाएगा कि क्या डिफरेंट कोर्स कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं एंड
थ्रू आउट द कोर्स ये एक चीज जिस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं वो है इनका प्रोजेक्ट्स। अब यार प्रोजेक्ट्स भी देखो यहाँ पे आप जैसे ही खोलोगे ना जो शानदार चीज आपको दिखेगी कि एक आईडी सॉर्ट ऑफ थिंग दिख जाता है, जैसे कि आप लोकल में वीएस कोड यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको सारे फाइल्स दिखेंगे, नीचे आपको टर्मिनल दिखेगा, राइट साइड में आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे उसका आउटपुट दिखेगा। और यहाँ देखो यहाँ पे एक रन टेस्ट भी है जहाँ पे डेफिनेटली जैसे आप रन करोगे दिखा देगा कि यार ये सारे टेस्ट केसेस फेल हो गए क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने प्रोजेक्ट नहीं खत्म किया है। देखो राइट साइड में पॉपअप भी आ गया। एक अच्छी चीज ये है कि यार इनका ईयर एंड सेल चल रहा है, लिंक मैं आपको ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप जैसे ही क्लिक करके लोगे आप देखोगे यहाँ पे आपको 50% ऑफ मिल जाता है इनके प्रो सब्सक्रिप्शन पे। तो गाइज मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इस कोर्स को अगर आप चाहते हो कि एक गाइडेड वे में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाकर एंड काफी जल्दी आप वेब डेवलपमेंट सीख लो। चलो अब कूल आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आप क्या प्रोजेक्ट्स इसमें बनाओगे। तो यार सबसे फर्स्ट आप ऐसा कुछ प्रोजेक्ट देख सकते हो जो कि आपका एक सिंपल लैंडिंग पेज है जहाँ पे आप देखो कुछ टेक्स्ट डाल रखे हैं, कुछ फोटोज डाल रखे हैं, तो ये आपके लिए एक स्टार्टिंग सही प्रोजेक्ट हो जाएगी। नंबर टू आप कुछ फॉर्म बिल्डर टाइप का भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक साइन अप फॉर्म बना रखा है सिंपल, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है प्रोफाइल में। यहाँ देखो एक अच्छी चीज़ आ गई कि कैसे आप फाइल चूज करते हो लोकल, ये आप सीख जाओगे यहाँ पे। देन आप यहाँ पे ये सारे सेलेक्ट बॉक्स वगैरह हैं, साइन अप में बेसिकली कुछ एक्शन लगा रहे होगे, ठीक है। थर्ड आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना देख सकते हो जहाँ पे बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, बेसिकली आप जब देखोगे कि आप इसको फ़ोन में ओपन कर रहे हो, डिफरेंट डिवाइस साइज पे ओपन कर रहे हो तो ये कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसा आप कोई एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाना सीख सकते हो, ठीक है। ये सारे मैं प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ जो आप एक बार HTML CSS अगर सीख गए तो इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना डायरेक्ट, ओके। नाउ फोर्थ है अपना जो वो आप अपना एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना लो, ये कुछ नहीं है सिर्फ टेक्स्ट वाली चीज़ है, यहाँ पे कोई देखो एनिमेशंस वगैरह नहीं यूज़ कर रखा है अभी, बट आप चाहो तो यहाँ पे एनिमेशंस यूज़ कर सकते हो और बेटर, मतलब वो हम जब CSS बनाना सीख रहे थे नहीं मार्की टैग यूज़ करते थे वैसे भाग रहा होता था स्क्रीन पे, तो लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चार प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए जो कि पहले आप HTML CSS सीखने के बाद बनाओगे। अब बात करते हैं कि यार हम इस वीडियो में बोल रहे हैं कि फास्टेस्ट वे टू लर्न वेब डेवलपमेंट बताओ, तो HTML क्यों बता रहे हैं, CSS क्यों बता रहे हैं ना, अभी नेक्स्ट हम JavaScript की भी बात करने वाले हैं, वाई आर वी नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट कि यार ये सारी चीज़ें तो आप बाद में सीख लोगे, डायरेक्ट JavaScript की कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी उठा लो, जैसे React पढ़ो या Angular पढ़ो एंड देन फिर बैकेंड में जाना। देखो इस बात को स्टार्ट से क्लियर रखना कि यार ये जो चीज़ें हैं ना आपकी शुरू की HTML CSS और JavaScript यही आपकी फाउंडेशन होने वाली, यही आपकी बेसिक्स होने वाली हैं। अगर आपने एक बार इसको मजबूत कर लिया देन बाद में जब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाने वाला है जब आप एक्चुअल में इसके ऊपर कोई फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पढ़ोगे, ठीक है। तो अपना HTML CSS खत्म हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं JavaScript के बारे में। तो अब बात करते हैं JavaScript के बारे में, तो मेक श्योर करना कभी भी JavaScript पढ़ो तो पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना, जैसे लूप्स के बारे में पढ़ो, कॉल बैक्स के बारे में पढ़ो, प्रोमिस, असिंक अवेट, API कॉल कैसे करने, ये सारे बेसिक्स पढ़ो। एंड इसको पढ़ने के लिए आप सिंपल नमस्ते JavaScript बाय अक्षय सैनी सर का जो प्लेलिस्ट है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम JavaScript कैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच से सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको चार पांच प्रोजेक्ट्स बता रही हूँ, इन प्रोजेक्ट्स को करते करते आप मोस्ट ऑफ द बेसिक JavaScript कवर कर लोगे, ठीक है। तो यार सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है आप कुछ कैलकुलेटर टाइप की चीज़ बनाओ, जैसे सिंपल चीज़ है यार देखो 9 × 8 करा इसने फट से 72 बता दिया, तो ऐसा कैलकुलेटर बनाओ एंड मेक श्योर जब आप फर्स्ट टाइम ये बनाओगे ना आपको काफ़ी मज़ा आएगा बनाने में, आप एट द एंड देखोगे कि यार ये सच में मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आप ऐसा कोई टिक टैक टो गेम टाइप का बना सकते हो, यार देखो ये भी काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ऐसे गेम बनाते हुए, तो आप ये गेम भी बना सकते हो। मैंने खुद एक स्नेक गेम करके बनाया था JavaScript यूज़ करके एंड मेरे को काफ़ी मज़ा आया था एंड बहुत सारा JavaScript सिर्फ उस प्रोजेक्ट से सीखने को मिला था इंस्टेड ऑफ कि मैं अगर जाके कहीं रिसोर्सेज से पढ़ती या वीडियो देखती, ठीक है। तो ये टिक टैक टो गेम बना सकते हो। थर्ड देखो ये भी काफ़ी सही है, मीम जनरेटर या रैंडम कोड जनरेटर टाइप की चीज़ बना सकते हो, देखो ये रैंडमली जनरेट कर रहा है तो ये भी सही मजेदार चीज है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं पे सीख लो JavaScript बनाते बनाते, क्योंकि आप कोई भी UI बेस्ड काम करो, कुछ भी कोई भी आप बनाओ, आप जानते हो कि अगर वहां पे लेट से आप एक साइन अप फॉर्म भी बनाते हो ना अगर किसी एप्लीकेशन का कि भाई तुम लॉग इन कर लो या साइन अप कर लो, वहां पे भी आप ईमेल को मैंडेटरी करते हो या पासवर्ड को मैंडेटरी करते हो, तो इसलिए यहीं पे सीख लो JavaScript पढ़ते पढ़ते कि कैसे ये वैलिडेशन करने होते हैं, चेक्स लगाने होते हैं, वहां पे वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है।
अब यार ये एक टू डू लिस्ट टाइप की चीज़ है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि मैंने ये खरीद लिया है, लेट से मुझे ए बी सी डी टास्क कुछ और करना है तो मैं उसको ऐड कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो इनिशियली जब आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड सीख रहे होते हो तो इसी टास्क को आप ऐसे बनाते हो सिर्फ कि जितना डेटा है आपके पास क्लाइंट साइड पे ही है। लेटर ऑन जब इसी प्रोजेक्ट में आप आगे बढ़ते हो तो आप देखते हो कि कैसे इस डेटा को उठा के अब मैं डेटाबेस में डाल दूँ, बैकएंड से फेच करूँ, क्रड ऑपरेशंस लगाऊँ। बट स्टार्ट के लिए सिंस आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो आप सिर्फ ये देख सकते हो यार कि डेटाबेस और बैकएंड हटाओ, सिर्फ यहाँ पे फ्रंट एंड या जावास्क्रिप्ट का मैं कोर कॉन्सेप्ट यूज़ करके कैसे ये टू डू लिस्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये पांच प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए। अप्लाई करो एंड इसके थ्रू आप पूरा जावास्क्रिप्ट सीख जाओगे एंड काफ़ी मज़ेदार तरीके से सीख रहोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार। HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, अब बात आती है हमारे कोर फ्रंट एंड की कि क्या जावास्क्रिप्ट के ऊपर हम कौन सी लाइब्रेरी या कौन सी फ्रेमवर्क सीखें सो दैट हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मैच कर सकें एंड एज वेल एज यहाँ पे वो कॉम्पिटेंसी आता है जहाँ पे एक्चुअल अच्छे जॉब्स देखना शुरू कर दोगे मार्केट में। ठीक है, तो यार देखो कंफ्यूजन मत रखना, बहुत सारे हैं, रिएक्ट, एंगुलर है, व्यू, ऐसा करके बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। बट स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड मैं बोलूंगी अभी के लिए रिएक्ट पिक करो, इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज है एंड बहुत ज़्यादा इसका स्कोप भी है। फेसबुक ने इसको डेवलप किया है यार, तो कभी भी आउट ऑफ स्कोप अभी तो रिसेंट मुझे जाता हुआ ये नहीं दिख रहा है। रिएक्ट यूज करो एंड स्टिक करो। एंड अब बात करते हैं यार कि आप रिएक्ट कैसे सीख सकते हो, क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हो एंड इन शॉर्ट कैसे डिटेल में यहाँ पे चीज़ें कवर कर सकते हो। चलो अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें रिएक्ट सीखना है, अब बात करते हैं कि रिएक्ट कहाँ से सीखना है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ एंड ये लास्ट होगी, रिएक्ट सीखने के लिए आप उनका ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हो गाइस, ये काफ़ी सही है। एंड जब मैंने रिएक्ट में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था जो कंपनी में काम करते हुए, तो मैंने यहीं से सीखा था। आप यहाँ से आओ और इनके सारे मेन कॉन्सेप्ट सीख लो। देखो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे 12 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, ये चीज़ें सीख लो। एडवांस गाइड की ज़रूरत पड़ेगी बट आई वोंट से कि एकदम से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आप एडवांस में चले जाना। मेन सीखो, प्रोजेक्ट करना शुरू करो। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, लेट्स से आपको कहीं फील लग रही है कि यार मुझे कॉन्टेक्स्ट APIs की ज़रूरत है, या कहीं आपको लग रहा है कि यार आपको ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट चाहिए, या मेरे को कैसे पास करना है प्रॉप्स को, मतलब ऐसे करके स्पेसिफिक जब आपको इश्यूज आने लगेंगे ना, देन आप यहाँ पे आना और वापस से ये सारी चीज़ों को देखना कि यार ये चीज़ कैसे पर्टिकुलर में हो सकती है। तो अभी के लिए ये जान लो कि यार ये जो रिएक्ट की हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये मोर देन इनफ है आपको रिएक्ट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे जब एक बारी हम रिएक्ट सीख ले रहे हैं। तो देखो रिएक्ट के ही बड़ी अच्छी यार इनकी डॉक है, इनके ही डॉक्स में आपको मिल जाता है कुछ स्मॉल एग्जांपल्स जो कि आप बना सकते हो। देखो इन्होंने काफ़ी सारे स्मॉल एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, किसी पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो जो अच्छी चीज़ ये है कि इनके गिटहब के, देखो ये गिटहब के यहाँ पे आपको बेसिकली सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। तो आप बेसिकली आओ और यहाँ पे पहले जो जो इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं वो देखो एंड देखो एक कंप्लीट ऐप भी इन्होंने दे रखा है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, रिएक्ट के इसमें मैं आपको कह सकती हूँ यार कि आप ई कॉमर्स टाइप का कुछ ऐप बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बेसिक एक पूरा फ्लो देख लेते हो। लेट से आपने अमेज़न का ही क्लोन बना दिया तो आप देख लोगे कि यार साइन अप वाला फ्लो कैसे काम करता है, जो होम पेज है आपका वो कैसे काम करता है। आप डिफरेंट पेजेस तो बनाओगे ही बट डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे रेंडर कर रहे होगे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि एक ई कॉमर्स जैसा आप कॉम्प्लेक्स ऐप बना सकते हो जिसके थ्रू आप मेजर ऑफ रिएक्ट वाली चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, अब यार सिर्फ रिएक्ट नहीं, लेट से आप चाहते हो कि आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सीख लिया, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आपने ये चार चीज़ें भी सीख ली ना तो आज के टाइम पे आप कोई भी एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट जॉब उखाड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने बैकएंड नहीं सीखा तो भी अभी आप यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए पूरे रेडी हो। बस एक चीज़ और कर लेना यार कि इतनी चीज़ें सीखने के बाद मेक श्योर करना कि कुछ कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है जहाँ पे मैंने कोड पेन जैसे आपके प्रोजेक्ट हो गए, देन आप कैसे एक रिज्यूमे बिल्डर बना सकते हो, इन जैसे प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड करा है, डिटेल में वो वीडियो बनाई है रिसोर्सेज के साथ। तो इफ यू वांट एक बार आप मेरी ये वाली वीडियो चेक करना, इधर कहीं आई लिंक में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अटैच कर दूंगी। ठीक है, तो यहां तक आपका पूरा फ्रंट एंड वाला पार्ट रेडी हो चुका है। फाइन, अब हम बात करेंगे अपने बैकएंड वाले पार्ट के बारे में। अब यार अगर आइडियली पूछो तो बैकएंड बनाने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, जावा यूज कर सकते हो, नोड यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, गोलैंग यूज कर सकते हो। एंड अब बॉयल डाउन हो जाता है कि यार हम कौन सा लैंग्वेज यूज करें किस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में। आइडियली पूछो तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यार ये आपका इनमें से चार में से ये एक बेस्ट लैंग्वेज है, यही आपको हर जगह यूज़ करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आपके यूज केस डिपेंडेंट होता है कि आप डिसाइड करते हो कि ये लैंग्वेज के साथ मुझे आगे जाना है। ठीक है,
बट प्रोवाइडेड कि हम कह रहे हैं कि हम कैसे पूरे वेब डेवलपमेंट को तेजी से सीख सकें, यहाँ पे मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप नोड जेएस पिक कर सकते हो. सिंस आपने जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी सीख रखी है, आपने जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क रिएक्ट पे ऑलरेडी काम कर रखा है, तो अगर आप बैकएंड में नोड जेएस यूज करते हो तो आपके लिए अननेसेसरी एक और कॉम्प्लिकेशन नहीं होता कि आपको एक अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. तो इसलिए यहाँ पे हम नोड जेएस पिक कर सकते हैं. यार नोड जेएस के बारे में एक और चीज बता दूंगी, काफी वाइडली यूज है एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स आप देखते हो आज के टाइम पे नोड जेएस ही यूज करते हैं. इवन बड़ी कंपनीज भी नोड जेएस यूज करती हैं. तो ये मत सोचना कि यार स्कोप नहीं है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, वो सारे इश्यूज नहीं है. इजिली आप नोड जेएस पिक करो एंड उसके साथ जाओ. ठीक है, अब नोड जेएस कहां से सीखना है उसके लिए यहां पे मैं आपको दो तीन बहुत बेहतरीन रिसोर्सेज दिखा देती हूं. तो यार सबसे पहला जो रिसोर्स है फ्री कोड कैंप की, एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो है, देखो 8 घंटे 16 मिनट की है, नोड एंड एक्सप्रेस की वीडियो है. बेसिकली आपकी टाइम स्टैम्प में आओगे आप देख लोगे कि कितने मतलब धमाकेदार तरीके से इन्होंने npm से शुरू किया है. इस npm तक की चीजें बताई हैं, इंस्टॉल अनइंस्टॉल पैकेज इंस्टॉल सारी चीजें यहाँ पे आपको बता रखी हैं. http के बारे में बात करा है, स्ट्रीम्स के बारे में बात करा है, json बेसिक्स एक्सप्रेस, लाइक अगर आप देखोगे भी तो काफी डिटेल में इन्होंने एक एक चीज के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे इस नोड एंड एक्सप्रेस वाले ट्यूटोरियल में. सिमिलरली एक और ट्यूटोरियल है, ये थोड़ा छोटा ट्यूटोरियल है प्रोग्रामिंग विथ मोक्ष का, बट ये भी काफ़ी सही ट्यूटोरियल है यार, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो. जस्ट दैट ये काइंड ऑफ समरी ट्यूटोरियल है, जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया है ये काफ़ी आपका डिस्क्रिप्टिव ट्यूटोरियल है. ठीक है, तो एक बार आपको नोड एक्सप्रेस ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं, देन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार कि आप बेसिक क्रड ऑपरेशंस के साथ खेलना शुरू कर दो. क्रड मीन्स बेसिकली क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, आप ये चार ऑपरेशंस अपने डेटाबेस में कैसे करोगे. ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार चार प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी देखो फ्री कोड कैंप की वीडियो है, 10 घंटे में इन्होंने चार प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं. पहला आपका टास्क मैनेजर है, स्टोर API, JWT बेसिक्स, यार शानदार चीज़ है, आप यहाँ पे सीखोगे बेसिकली ऑथेंटिकेशन वगैरह वाली चीज़ें कैसे करते हैं, तो ये काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट है. एंड जॉब्स API, तो यार ये चार प्रोजेक्ट जब आप एंड टू एंड कर लोगे ना तो क्रड तो आपको समझ में आएगा ही फॉर श्योर. यहाँ पे इन्होंने डेटाबेसेस भी यूज़ करे हैं तो आप वो भी कनेक्शन सीख जाओगे, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, आई मीन A to Z चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ जाएंगी एज फार एज इट्स कंसिडर टू कि APIs कैसे लिखते हैं, मिडलवेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ये चार प्रोजेक्ट्स करके बेसिक्स समझ आ जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने पूरे नोड को समझ लिया. अब इसके बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे को कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स करने हैं क्योंकि मेरे को अब नोड जेएस समझ में आ गया, एक्सप्रेस जेएस समझ में आ गया, बेसिक मैंने प्रोजेक्ट्स भी कर लिए हैं, तब अब डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स पिक करना शुरू करो. जैसे कि आप सोच सकते हो कि मैं व्हाट्सएप जैसे सर्विस का बैकएंड कैसे बनाऊंगा, मैं अमेजोन जैसे सर्विस का बैकएंड कैसे बनाऊंगा, पेमेंट सिस्टम कैसे बनाऊंगा. एक और अच्छा प्रोजेक्ट आप पिक कर सकते हो बैकएंड के लिए कि मैं कैसे किसी पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करके अपना बैकएंड बनाऊंगा. तो ये सारे अब आपके कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आएंगे जब आप एक बार बेसिक से अच्छे से सीख ले रहे हो, देन आप इस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करने आओगे. ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा बैकएंड वाले चीज़ के बारे में. जो लास्ट चीज़ हमारी बचती है वो डेटाबेस. यार आप डेटाबेस में प्लीज़ इस उसमें मत पड़ जाना कि नो सीक्वल अच्छा होता है कि सीक्वल अच्छा होता है कि ये अच्छा होता है वो अच्छा होता है. आई वुड हाईली सजेस्ट कि शुरू में स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी नो सीक्वल डेटाबेस को पिक कर सकते हो, ईजी टू लर्न होता है. लेटर ऑन जब आप एक तरह की चीज़ सीख लेते हो और बाद में आप चाहते हो कि यार आप सीक्वल डेटाबेस सीख लो, वो भी आप सीख सकते हो. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि यार नो सीक्वल सीखा तो आप सीक्वल कैसे सीखेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट. तो आप MongoDB भी चूज कर सकते हो यार, वो भी आपका नो सीक्वल डेटाबेस है, ईजी है. इनफैक्ट जो मैंने आपको चार बैकएंड प्रोजेक्ट्स बताए थे उन लोगों ने MongoDB यूज करा था एज देयर डेटाबेस. तो अगर आप MongoDB यूज करते हो तो एक काइंड ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है आपका उस प्रोजेक्ट के साथ भी, एंड सीखना थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए. तो यार ये टोटल हमने बात कर ली, फ्रंट एंड कैसे सीखना है, बैकएंड कैसे सीखना है, डेटाबेसेस के बारे में रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बात करी हैं. यार ये जो तरीका मैंने बताया ना ये सबसे ज़्यादा क्यूरेटेड और फास्टेस्ट है मेरे हिसाब से. आप इसको एंड टू एंड फॉलो करोगे, गारंटी है कि आप बहुत चीज़ें सीखोगे एंड एक अच्छी जॉब भी क्रैक करोगे. तो यही था इस वीडियो में, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है यार. अगर आपने एंड तक देखी है तो मेक श्योर आप कमेंट करो कि आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल एंड. मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि सच में शायद मैं आपके लिए कुछ यूजफुल कॉन्टेंट बना रही हूँ जो आप मुझे फॉलो कर रहे हो एंड मेरी पूरी वीडियो देख रहे हो. इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए कॉन्टेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.